वेलकम टू सी एस एस इंट। आज हम पर्सपेक्टिव व्यू से टेक्स्ट लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक इमेज लेंगे। इमेज मैंने pixel.com से पिक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एस फाइल सेव करने के लिए। फाइल का भी नेम रख लेंगे अभी। नेम रख लिया अभी जूम आउट करके। टेक्स्ट टूल लेके और आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल फोटोशॉप ट्यूटोरियल टाइप करूंगा। फोटोशॉप टाइप कर लिया ट्यूटोरियल। देन मूव टूल कंट्रोल ए देन सेंट्रल लाइन। अब इसको सिंगल लाइन में लिखेंगे। थोड़ा गैप दे देंगे बीच में। कंट्रोल टी देन साइड रिड्यूस या एक्सटेंड अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। टेक्स्ट पर राइट क्लिक करके सेलेक्ट पिक्सल देन कंट्रोल सी फॉर कॉपी डी फॉर डिसलेक्ट। देन न्यू लेयर लेके लेयर पर हाइड करके फिल्टर वैनिशिंग पॉइंट। ये हमारा मेन काम है अभी यहाँ पे। सेलेक्ट करके और पर्सपेक्टिव व्यू फ्रेम क्रिएट करेंगे एक पॉइंट सेंटर में। बड़े ध्यान से करना गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऊपर का पॉइंट पर नीचे की ओर ड्रैग करेंगे और ट्रैक एंड जब आपको ब्लू शो हो इट मीन्स ये करेक्ट है। येलो पे भी हाँ ब्लू जब शो हो ये करेक्ट होता है उस टाइम। तो फ्रेम ब्लू होने तक इसको एडजस्ट करते रहें। देन ऑल्ट हम राइट साइड में क्रिएट करेंगे एज इट इज। जस्ट लाइक और जो हमने फोटोशॉप ट्यूटोरियल कंट्रोल सी किया था उसको कंट्रोल वी करेंगे अभी। अब इसको ड्रैग करके आप देखेंगे पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाएगा। ये फोटोशॉप का कमाल फीचर है गाइस। आपकी जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना बेटर आउटपुट होगा। थोड़ा एडजस्ट करने का ट्राई करेंगे। एडजस्ट हो चुका है अप्रोक्सीमेट। हिट ओके। अब जो मेन लेयर है गर्ल की कंट्रोल चेक करेंगे। तो अभी तो बैकग्राउंड रिमूव करेंगे उसका। प्रॉपर्टी एडिट कंटेंट रिमूव बैकग्राउंड। ये फोटो कमाल फीचर है। फीचर 2020 वर्जन में रिमूव सिलेक्टिंग मास्क भी कर सकते हैं आप। ड्रैग करके कॉपी राइट क्लिक अप्लाई लेयर
इसको हम डुप्लीकेट करके मूव करते हैं। ओके ब्लैक कलर को ऊपर ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे ऊपर और टेक्स्ट वाले लेयर को इन दोनों लेयर के सेंटर में ले लेंगे ताकि टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में आए, उसको तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। सब कलर चेंज करेंगे, येलो टेक्स्ट कलर डबल क्लिक देन टेक्सचर अप्लाई करें इनर साइड में टेक्सचर बिल्कुल लाइट शेड कर लाइट शेड को स्लाइड करके वंस यू आर डन इट ओके। सेव कर लेंगे इस फाइल को। टेक्स्ट अच्छे से प्लेस हो, ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे टॉप की तरफ। सेव कर लिए, जेपीजी बना लिया हमने। तो गाइस ये हमारा फाइनल आउटपुट है, ये बिफोर ये आफ्टर। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।